उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से प्रयागराज रोड 45 किलोमीटर, खागा तहसील के मझिल गांव के उत्तर दिशा गांव में निकलकर एक हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति स्थापित है, जिसके पीछे ढेर सारे प्रदेश हैं। बताने को तो अधिकतर लोग कहते हैं कि लंका के राजा रावण के हाथों द्वारा इस मूर्ति की स्थापित किया गया है, लेकिन हजारों वर्ष पुरानी बात है। लेकिन बताया जाता है कि रावण ने यहाँ एक बहुत बड़ा रुद्राभिषेक किया था और विद्वानों को बुलाकर बहुत विशाल हवन यज्ञ किया, और हवन के धुआं से ऋषियों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अचानक तेज आंधी पानी आया, तभी हवन की भभूत बहकर गई। वहीं रुद्रवंती नाम की जड़ी बूटी उगने लगी, जो हर प्रकार के रोगों में फायदेमंद साबित हो रही है। आप लोगों को बताते चले कि ये जड़ी बूटी गर्मी में संजीवनी की तरह होती है, और जैसे ही पहली बारिश होती है जड़ी बूटी जल जाती है। गर्मियों में यहाँ बहुत दूर दूर के हर प्रकार के साधु संतों का जमावड़ा रहता है। इस जड़ी बूटी से बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन ये मंदिर जंगल में होने के कारण अभी बीते दिनों मंदिर में लगे घंटे जो काफी मात्रा में थे, जिसे चोरी हुए हैं, जिसकी लिखित शिकायत पुजारी ने खागा कोतवाली में किया था, लेकिन चोरों को पुलिस पकड़ने में असफल हो रही है। आइए सुने जुबानी पुजारी बाबा की। एमपी यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। नमस्कार दोस्तों, ये फतेहपुर जनपद का मंझिल गांव है, जहां एक अद्भुत मूर्त विराजमान है, जो बताते हैं कि रावण के द्वारा स्थापित की गई है। और यहां की मान्यता जो है, वो बताते हैं कि जो अपने श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से जो भी मांग के मूर्त के सामने बैठ जाते हैं, उनकी 101% माना जाता है कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक रुद्रवंती नाम की जड़ी बूटी पाई जाती है, जो कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं, या तो यहाँ है या तो एक हिमालय पर्वत है। ये दो जगह में पाई जाती है, जो अनन्य रोग में फायदेमंद होती है। यहाँ के पुजारी बाबा से आइए बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ की ये जो कुंडेश्वर धाम है, यहाँ की इस प्रतिमा के विषय में जानकारी लेते हैं, पुजारी बाबा क्या कहते हैं। जानना चाहेंगे कि ये जो कुंडेश्वर धाम बाबा हैं, इनकी क्या मान्यता है? इनकी मान्यता है श्रद्धा और विश्वास, जो श्रद्धा और विश्वास से यहाँ आते हैं, और ये हमारे गुरुदेव की तपस्या स्थली है। कुंडेश्वर बाबा उन्हीं की तपस्या के कारण आज उजागर हुए हैं, और ये जो आश्रम दिख रहा है आपको पूरा, कुंड बाबा की जो मान्यता है, ये गुरुदेव की ही कृपा है, उनकी तपस्या से ये आश्रम आज स्तर तक पहुंचा है। गुरुदेव की महिमा है, और कुंडेश्वर बाबा के आस्था और विश्वास पर हर कार्य निर्धारित होता है। जैसा कि जाना जाता है कि यहाँ एक कोई जड़ी बूटी पाई जाती है, उस जड़ी बूटी के विषय में जानना चाहेंगे, उसका क्या महत्व है? जी, यहाँ जड़ी बूटी पाई जाती है रुद्रवंती, तो वह अपने शरीर के कई उपयोगों में काम आती है, और नाना भांति से उसको लिया जाता है। और वैसे पेट के जैसे एसिडिटी हो और भी कोई तकलीफें हो, तो उनमें वो रुद्रवंती बहुत काम आती है। तो आप लोगों ने सुना, रुद्रवंती अनन्य रोगों में फायदेमंद है। यहाँ देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी चुस्त और दुरुस्त, यहाँ एक दिन पहले से पूरी तैयारी होती है। यहाँ क्षेत्र में ढेर सारी भीड़ आती है, जिसका कि यहाँ आज तक कोई अव्यवस्था जानी नहीं गई। कैमरामैन अजय मौर्या के साथ एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, फतेहपुर। मूर्ति जो भोले बाबा की है, वो तुम्हारी 24 घंटा में 3 अवस्थाएं और 3 रंग बदलती है। और यहाँ अव्यवस्था होने के नाते से कुछ बदमाश या बच्चे आकर के उदंडता किया मंदिर में, यहाँ की पूजा पाठ करने के सामान, घंटा, घड़ी घंट, विजय घंट, और ये गरुण घंटी, चंद्रोदक उतारने की घंटी, ये सब सोच लो कटर मशीन चाकू से काट काट करके अपना सब उतार ले गए। ये कब की घटना है? ये आज करीब 4 दिन पहले की घटना है। उसमें हमने तिलक या कोतवाल खागा, तो उन्होंने आकर के जांच किया। जांच करने के बाद
चार पाँच घंटे लेकर के आके बंधवा दिया और ये कहा कि ठीक है हम स्थान के लिए कुछ व्यवस्था सोच रहे हैं करेंगे कि यहाँ रात में आपके लिए दो ठो गार्ड दिए जाएं। जंगल कुछ पड़ता है यहाँ आते हैं बच्चे लोग उड़नता करके चले जाते हैं। तो उन ये जो घंटा चुरा ले गए हैं उनका खुलासा नहीं हुआ? कोई पता नहीं उसका चल रहा, पता लगा रहे हैं, पता लगाने में उनका यही वो है कि नहीं पता लगा पा रहे हैं। अरे भक्त बहुत आते हैं, किस भगत को क्या कहा जाए किस भाव से आ रहा है जी। वो अपने शिकार में अपने किसी उससे आया, मौका ताक लिया कि कितनी टाइम में सोते हैं शयन करते हैं, अपना मौका पा करके काम करके चले जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं हम लोग। आपका परिचय क्या है? मैं यहीं कुटी पे भोले बाबा के स्थान में पुजारी हूँ जी। और मेरा नाम श्री गोपाल दास